वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सुतापा। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पूरी और साथ में एक खट्टा मीठा इंस्टेंट कच्चे आम की चटनी। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने 100 ग्राम मूंग दाल को बहुत अच्छी तरह से धो के 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये दाल बहुत अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियां और स्वाद अनुसार हरी मिर्च और सबको ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट को सबसे पहले हम एक परात में ले लेंगे, फिर हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। फिर इसमें मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। अब मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, आप स्वाद अनुसार डालें। और फिर हरा धनिया पर पत्ता पत्ता डालना है, डंठन बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो पूरी फट जाएगा। अब सबसे पहले हम आटा और सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे पानी डालने से पहले, फिर हमें पता चलेगा कितना पानी डालना है। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरह का एक डो बना के हम रख देंगे। इंस्टेंट मैंगो चटनी के लिए एक कच्चा आम को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और काला नमक मिला के, और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। फिर 1/2 प्याज मैंने डाला है बहुत फाइनली चॉप करके, और फिर 2 टीस्पून चीनी डाल देंगे। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से हम मिला के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब चीनी मैंने 2 टीस्पून डाला है, ये बिल्कुल अपने स्वाद अनुसार डालिए और मैंगो का जो खटास है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा हम कितना चीनी इसमें डालेंगे। अगर मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा ज़्यादा चीनी की ज़रूरत पड़ सकता है, और कम खट्टा है तो 2 टीस्पून बहुत है। अब जब तक हम पूड़ियाँ तलेंगे तब तक ये चीनी बिल्कुल मेल्ट होके हमारा चटनी एकदम रेडी हो जाएगा। ये हेल्दी एंड टेस्टी पूरी जो है ना, ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। बस थोड़ा सा दाल पहले भिगोना पड़ता है, बाकी तो 1/2 घंटे में बनके रेडी हो जाता है। झटपट बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए या फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना हो उस दिन के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। और हाँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए भी ये वाला पूरी बहुत अच्छा होता है। रेसिपी यूजफुल लगे तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।